बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मार्केट में खबर उड़ रही है कि ईरानी सदर इमरान खान के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। इस खबर में किस कदर सदाकत है, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आपने इस प्रोग्राम में ये भी शेयर करेंगे कि क्या ईरान इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहा है, पस पर्दा क्या हकैक है, ये सारे हकैक भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। मगर प्रोग्राम का आगाज करते हैं नवाज शरीफ के हालिया दौरे चीन से। आज इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ चीन के लिए रवाना हो गए और उनके साथ वजारत खारजा के अमूर के हेड इसहाक डार साहब भी मौजूद हैं। और यही कहा जा रहा है, जो मुझ तक इतलात पहुंची हैं उसके मुताबिक यही है कि नवाज शरीफ चीन में अपना चेकअप करवाएंगे। इसके अलावा वो मुख्तलिफ कंपनी के हेड के साथ मुलाकात करेंगे। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि नवाज शरीफ तो लंदन से दवाई ले रहा था, ये अचानक डॉक्टर तब्दील क्यों किए जा रहे हैं। हालांकि आपको आगाह करते चलें कि चीन की निस्बत लंदन का हेल्थ का मैार बहुत अच्छा है, मगर ये अचानक नवाज शरीफ ने अपना डॉक्टर चेंज क्यों कर लिए, पस पर्दा क्या हकैक क्या है, क्या नवाज शरीफ चीन में दवाई लेने ही जा रहे हैं या कुछ और हकैक है। इसके अलावा नवाज शरीफ कोई सरकारी ओहदा भी नहीं रखते और ना ही वो कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हेड हैं, वो चीन जा रहे हो और फिर चीन में मुख्तलिफ कंपनियों के हेड के साथ मुलाकात कर रहे हो, आखिर पस पर्दा हकैक क्या है। अब भाई हमारे जराए ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ चीन के जरिए मुक्तदार कुतों पर दबाव डालने के लिए चीन रवाना हुए, क्योंकि इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें नून लीग मुकम्मल घाटे में नजर आ रही है और शहबाज शरीफ जिन पॉलिसियों को लेकर चल रहा है उनसे नून लीग के लिए मसायल ही मसायल हैं। और इन हालात को देखते हुए नून लीग के बहुत से लोग नून लीग से साइड पर हो चुके हैं। अब नवाज शरीफ चाहता है कि ठीक है भाई, उसके भाई ने वजारत उज़्मा का ताज तो पहन लिया है, लेकिन अब सिर्फ वो अकेला भार उठाने की बजाय भार सब पर तकसीम किया जाए, क्योंकि अभी और बहुत से मसायल, महंगाई के मसायल आने हैं और नवाज शरीफ की कोशिश है कि ये भार सब में तकसीम किया जाए। इस हवाले से नवाज शरीफ चीन के जरिए मुक्तदार कुतों पर दबाव डालेगा कि भाई सब में भार तकसीम किया जाए, पीपल्स पार्टी भी कुछ हिस्सा उठाए, तहरीक इंसाफ भी कुछ हिस्सा उठाए। इसके अलावा ये खबर भी जेर गर्दिश है कि नवाज शरीफ चाहता है कि इमरान खान जेल में रहे और ये मामला चीनी ऑफिशल्स के साथ उठाए जाएंगे और चीन के जरिए ही दबाव डाला जाएगा कि इमरान खान को बाहर ना निकलने दिया जाए। और ये दौरा उस वक्त में किया जा रहा है जब ईरानी सदर पाकिस्तान आया है। अब जहां तक ईरानी सदर के पाकिस्तान आने की बात है तो आपको आगाह करते चलें कि जिस वक्त ईरानी सदर पाकिस्तान में उतरा है उस वक्त वजीर आजम या आला पाए की किसी भी शख्सियत ने ईरानी सदर का इस्तकबाल नहीं किया है, जिससे यही तासुर मिल रहा है कि ये कोई हाई फाई ऑफिशियल या कोई बिजनेस टूर नहीं है, बल्कि पस पर्दा हकायक कुछ और है। इस हवाले से जराए का दावा है कि ईरानी सदर पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के लिए आया है और ईरान की ख्वाहिश है कि वो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान तनाव को कम कर सके और इमरान खान की रिहाई के लिए अहम किरदार अदा कर सके। और जहां तक बिजनेस मामलात की बात है तो आपको ऑलरेडी यह गाह किया था कि पाकिस्तान इस वक्त आईएमएफ के पास पहुंचा हुआ है और आईएमएफ की मर्जी के बगैर पाकिस्तान कभी भी ईरान के साथ डील नहीं करेगा, जबकि ऑलरेडी गैस पाइपलाइन पर अमरीका तहफ़ुज़ात का इजहार कर चुका है। तो ऐसे में ये कैसे मुमकिन है कि बगैर आईएमएफ की रजामंदी के पाकिस्तान ईरान के साथ कोई बिजनेस डील कर ले। और हम इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि ईरान ऑलरेडी तन्हाइयों का शिकार है और पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि जो मुल्क तन्हाइयों का शिकार हो उसके साथ जाकर खड़ा हो जाए।